दोस्तों, आपने सऊदी अरब के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा। सऊदी अरब भारत से डेढ़ गुना छोटा है, लेकिन बेहद अमीर देश है। उसके पास भारत से कई गुना ज्यादा दौलत है। आज हम आपको इस देश के बारे में ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। यकीन मानिए, इन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इस्लाम में पाक माने जाने वाले दो शहर मक्का मदीना सऊदी अरब में स्थित है। इसके अलावा सऊदी अरब में जो चीज सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वह है रेत, तेल और यहाँ के कठोर कानून। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गुनाह करने पर दूसरे देशों की तरह रियायत नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ सजा मिलती है, और वो भी शरई कानून के हिसाब से। यहाँ दुनिया के किसी भी देश का कानून नहीं चलता। यहाँ की पूरी न्याय व्यवस्था कुरान और हदीसों पर आधारित है। सऊदी अरब को कंट्रोवर्शियल देश के तौर पर देखा जाता है। यहाँ के नियम, कायदे, मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले और महिलाओं के साथ होने वाला बर्ताव लोगों को हमेशा चौंकाता है। यहाँ लागू कड़ी पाबंदियाँ और बंदिशों के बारे में हमेशा चर्चा होती है, लेकिन कई रोचक चीजें इसे खास भी बनाती हैं। सऊदी अरब मिडल ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर राजशाही चलती है, जिसकी स्थापना सन 1750 के आसपास किंग सऊद ने की थी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब के ऐसे कानून के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर यकीनन आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। सऊदी अरब में अकेली महिला, चाहे वह स्थानीय हो या बाहरी, वह किसी भी अजनबी पुरुष के साथ नहीं जा सकती। यहाँ तक कि सऊदी महिलाओं को पति की इजाजत के बिना विदेशी यात्रा की अनुमति भी नहीं है। सऊदी अरब में विवाह समारोह का आयोजन पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग रखा जाता है। हालांकि किसी खास मौके पर दूल्हा दुल्हन एक साथ आ सकते हैं। सऊदी अरब में आप बिना किसी की इजाजत से उसकी फोटो नहीं खींच सकते। अगर ऐसा करते हुए पकड़े गए तो आपको वहां कानून के अनुसार जेल की सजा या फाइन हो सकता है। हालांकि यह जानकारी सऊदी अरब में जाने वाले सभी टूरिस्ट को दी जाती है। सऊदी अरब की सीमाओं के भीतर गैर मुस्लिमों को दफनाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यहां गैर मुस्लिमों को सऊदी अरब की नागरिकता लेने की अनुमति नहीं है, और न ही यहां गैर मुस्लिम अपने पूजा स्थल का निर्माण कर सकते हैं। 2007 की गणना के अनुसार सऊदी अरब की कुल जनसंख्या 2,76,1,038 है, और यहाँ हर तीसरा व्यक्ति 35 साल से कम उम्र का है, यानी यह एक युवा देश है। सऊदी अरब विश्व का ऐसा सबसे बड़ा देश है जहाँ एक भी नदी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग पानी कहाँ से पीते हैं, तो आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ समुद्र के पानी को साफ करके पीने और दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सऊदी अरब में तेल इतना है कि वह पूरे विश्व में आयात किया जाता है, लेकिन यहाँ पर पानी तेल से महंगा है। आपको बता दें कि सऊदी अरब में कोई संविधान नहीं है, यहाँ पर कुरान को ही संविधान माना गया है। यह देश वास्तव में शरीयत के कानून के अनुसार ही चलता है। सऊदी अरब में महिलाओं को गाड़ी चलाने पर पाबंदी लगी हुई थी, लेकिन 24 जून 2018 को आखिरकार वहाँ की सरकार ने महिलाओं को आधिकारिक तौर पर सड़कों पर ड्राइविंग करने की इजाज़त दे दी। इसी के साथ सऊदी अरब महिलाओं के गाड़ी चलाने पर लगे प्रतिबंध को हटाने वाला दुनिया का आखिरी देश बन गया है। सऊदी अरब में दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग बनाया जा रहा है, जिसका नाम किंगडम टावर है। इसका निर्माण कार्य 2014 से शुरू हो गया था, जो कि 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस टावर का निर्माण कार्य पूरा होते ही यह दुबई की बुर्ज खलीफा को पछाड़ते हुए दुनिया की नई सबसे ऊंची इमारत बन जाएगी, जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर होगी, जो कि बुर्ज खलीफा से 183 मीटर ज्यादा ऊंचा है। इस्लाम का सबसे पवित्र धर्म स्थल मक्का मदीना सऊदी अरब में ही है। हर साल पूरी दुनिया से यहाँ लाखों मुस्लिम हज करने आते हैं। एक आंकड़े के अनुसार सऊदी अरब विश्व में तंबाकू का आयात करने वाला चौथा बड़ा देश है। मजे की बात यह है कि सऊदी के लोग सिगरेट पर प्रतिदिन लगभग 500 रुपए खर्च करते हैं। हालांकि 2012 से सऊदी अरब ने सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया है। सऊदी अरब ऊंट का सबसे बड़ा व्यापार करता है। यहाँ हर रोज करीबन 100 ऊंट बेचे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ प्रति वर्ष अल जेना नदरिया नामक उत्सव होता है। यह एक प्रकार का ऊंट दौड़ प्रतियोगिता है, जिसमें 2000 प्रतिभागी भाग लेते हैं, जिसे द किंग्स कप कहा जाता है, जिसमें 19 किलोमीटर की दौड़ होती है। सऊदी अरब ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर आज भी आंख के बदले आंख और हाथ के बदले हाथ जैसी क्रूर सजाएं अस्तित्व में हैं।